नमस्कार, INA न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम माही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। रामपुर की कोतवाली पुलिस को देर रात थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कोतवाली प्रभारी ने क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की, जिसके बाद सूचना के आधार पर हजरतपुर की फूलों वाली बगिया वाली गली में पुलिस ने रेड की। इस रेड में पुलिस ने 9 महिलाएं और 2 पुरुष को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं सेक्स रैकेट में संलिप्त 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से सिगरेट की डिब्बियां, सेक्स इम्प्रोवाइजेशन गोलियां, कई मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। इसकी विवेचना क्षेत्र अधिकारी द्वारा की जा रही है। वहीं फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी है। INA के लिए जनपद रामपुर से संवाददाता कामरान अमीर की रिपोर्ट। दिनांक 4 अप्रैल को कोतवाली प्रभारी के पास तकरीबन 10 बजे एक समाचार आता है। सूचना मिलती है कि कोतवाली क्षेत्र में हजरतपुर की जगह में फूलों वाली बगिया है, वहाँ पर किसी मकान में एक सेक्स रैकेट है जो काम कर रहा है। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी को क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को सूचित किया जाता है। उनके साथ जाके टीम बनाकर एक बार की दबिश दी जाती है और उस मकान से एक रैकेट पकड़ा जाता है। कुल वहाँ पर 14 व्यक्ति मिलते हैं, जिसमें 11 पकड़े जाते हैं और 3 फरार हो जाते हैं। कोतवाली पर आकर मुकदमा अपराध संख्या 57/2023 पंजीकृत किया जाता है, जो अनैतिक देह व्यापार 3/4/5 धारा के अंतर्गत आता है। 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और विवेचना मेरे द्वारा करी जा रही है और आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे की विधिक कार्यवाही प्रश्न। सर, किसके घर में देह व्यापार चल रहा था? ये सब अभी उसका विषय है कि मकान किराए पर था या उसी का, जिस महिला का लिया हुआ है, वो सब विवेचना का विषय है जो धीरे धीरे सामने आए। सर, इन 11 लोगों में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? 9 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। और जो फरार हैं वो पुरुष हैं या महिलाएं हैं? तीनों पुरुष हैं। तीनों पुरुष। पर इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है? वो सब अभी देखा जाएगा, क्योंकि सूचना कल रात की है तो अभी सारी चीज़ विवेचनाधीन है। सर, कुछ सामग्री वगैरह या कुछ मिला है मौके से? आपके कुछ सेक्स की गोलियाँ मिली हैं, सिगरेट की डिब्बियाँ मिली हैं, कुछ कॉन्डम्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं, पैसा भी बरामद हुआ है, सबको आपका विधिवत रूप से लिखा गया है। इन लोगों का सर मेडिकल हो गया, सर जेल भेजा जा रहा है क्या इन लोगों? अभी मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोतवाली पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और उसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। और CO ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके पास से कुछ नशीली दवाइयां और यूज़लेस सामान और नकदी भी बरामद की गई है। बहरहाल, उन लोगों को मेडिकल के लिए ज़िला चिकित्सालय भेज दिया गया है। कामरान आमिर, INA न्यूज़, रामपुर।